हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद शुभम में स्वागत है। फ्रेंड, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका कोरोना वायरस है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, आपको पता ही है, जिसके कारण पूरे इंडिया में अभी लॉकडाउन हो चुका है। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके जो मैं आपके लिए स्पेशल नोट्स लेके आया हूँ, तो आपने करना क्या है, वीडियो को आपने अंत तक देखना है, क्योंकि जो आपका कोरोना वायरस है उसके ऊपर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उस सभी में ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एक नया क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो जितने भी आपके हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको मैंने 15 से 20 क्वेश्चन बनाए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसको अंत तक देख सकते हैं। चलिए जी, आपका समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को WHO ने क्या नाम दिया है। तो जो WHO ने नाम दिया है वो दिया है आपका कोविड। आप सभी को पता है COVID-19 नाम दिया है। ये COVID-19 क्या बना है, जो आपका CO है ये है आपका कोरोना, ये CO बना है आपका कोरोना से। VI बना है आपका जो वायरस है, वायरस की स्पेलिंग VI से होती है स्टार्ट, तो CO बना है कोरोना से और VI बना है आपका वायरस से। और जो आपका D बना है आपका डिजीज़ से, यानी कि बीमारी के नाम से। 19 जो आपको है ये पता होगा, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर बात करें जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी चीन से। अब आपसे ये पूछा जाएगा चीन के किस शहर से हुई, तो चीन के वुहान शहर से हुई थी। तो ये भी आपने याद रखना है, कहाँ से हुई थी, वुहान शहर से। और अगर आपसे पूछा जाए कि वुहान शहर के किस प्रांत से हुई थी, तो उस प्रांत से हुई थी आपका, जिसका नाम है HUBE। तो आपने ये इतना फैक्ट है आपने याद रखना है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, चीन से। चीन में कहाँ से हुआ था ये, वुहान शहर से। और वुहान के कहाँ हुआ था, है कौन से प्रांत से हुआ था, ये हुआ था ह्यूब से। तो WHO ने क्या है इसे महामारी घोषित किया है। तो इसे महामारी घोषित कब किया गया, ये भी आपसे डेट पूछी जा सकती है। तो ये किया था आपका 11 मार्च 1920 को, तो आपने ये भी याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है। देखिए, जो आपका कोरोना वायरस, WHO ने क्या नाम दिया है इसको, आधिकारिक नाम COVID-19। अगर बात करें वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है, तो ये दिया है आपका सारस, CoV-2। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, भारत में कोरोना वायरस के कारण राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो जो भारत में जो कोरोना वायरस को लगाने वाला पहला कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना है, तो वो बना है आपका पंजाब बना है। तो इसके अलावा अगर बात करें, पंजाब ने एक ऐप लॉन्च की है जो कि कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाती है। तो उस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप का नाम है कोवा पंजाब। ठीक है, तो ये नाम किसने किया, ये कोवा नाम से एक ऐप जो लॉन्च की है, ये की है आपकी पंजाब ने। ठीक है, तो ये आपकी जो कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है, ये उस संबंधी ये आपको जानकारी प्रोवाइड करवाती है ये ऐप आपकी। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन जनता से जनता कर्फ्यू का आग्रह किया है या किया था, जो भी आएगा। तो किस दिन किया था, ये किया था आपका 22 मार्च रविवार के दिन, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जनता कर्फ्यू का आग्रह किया था लोगों से, वो किया था आपका 22 मार्च 2020। ये भी आप याद रखेंगे। भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जो आपका पहला राज्य है लॉकडाउन करने वाला, अब तो पूरे देश को कर दिया गया है 24 को, यानी कि अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 को, तो पिछले कल यानी 24 को आपका 24 मार्च को भारत का जो पूरे जितने भी राज्य है, जितने भी प्रांत, जितने भी आपके शहर हैं, उनको आपका लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे पहले किया था, किस राज्य ने किया था, ये किया था आपका राजस्थान ने। तो आप ये भी याद रखेंगे, आपने याद रखना है, राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला जो आपका राज्य था वो था पंजाब। कर्फ्यू लगाया था पंजाब ने, और लॉकडाउन किया था सबसे पहले किस राज्य ने किया था, ये किया था आपके राजस्थान ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, कोरोना वायरस के कारण मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है कोरोना वायरस के कारण, तो ये हो रहा है आपका फेफड़े, यानी कि आपके जो लंग्स है। अगर बात की किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, जो आपका निमोनिया है, जिस तरह के लक्षण आपके निमोनिया में दिखाई देते हैं, उसी तरह जो आपके कोरोना वायरस के भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ठीक है, किसको प्रभावित कर रहा है, ये कर रहा है आपके फेफड़ों को, यानी कि लंग्स को। कोरोना वायरस के टेस्ट को क्या नाम दिया गया है, जो कोरोना वायरस का टेस्ट है उसे क्या नाम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे, इसे दिया गया है RT-PCR। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट है उसके क्या नाम दिया है, तो ये दिया है RT-PCR। राइट, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है आपका हरियाणा। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, लॉकडाउन किसने किया था सबसे पहले? राजस्थान ने। और जो आपकी महामारी घोषित किस राज्य ने किया है सबसे पहले भारत के, तो वो किया है आपके हरियाणा ने। और कर्फ्यू किसने लगाया था? कर्फ्यू लगाया आपके पंजाब ने। तो आप इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करके चलिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो जो आपका व्हाट्सएप ने किया है व्हाट्सएप चैट। तो इसमें एक इन्होंने एक नंबर प्रोवाइड कराया है, उस नंबर को सेव करने के बाद आप क्या है उस नंबर में जो आपकी अंदर चैट है उसको कर सकते हैं, जो कि आपको कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया है। अगर बात की जाए फेसबुक ने कौन सी जो ऐप है ऐप क्या कौन सा एक ब्राउज़र या फीचर आपने लॉन्च किया है, तो वो किया है फेसबुक ने, हमने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से किया है आपका फेसबुक ने। वहीं अगर बात की जाए गूगल ने कौन सी वेबसाइट स्टार्ट की है इसकी जागरूकता के लिए, तो ये किया है google.com कोविड 19। तो ये किया है आपकी गूगल ने, तो ये भी आप याद रखेंगे चलेगा। इसके अलावा अगला है आपके पास, कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? जो कोरोना वायरस की संरचना है वो आपके किसके समान देती है? क्राउन के समान दिखाई देती है, इसी के क्राउन के नाम से इसका नाम क्या पड़ा आपका कोरोना वायरस। तो ये भी आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के नाम पे इसका नाम आपका कोरोना पड़ा, इसकी संरचना दिखाई देती है आपकी क्राउन क्या होता है आपका, जो एक मुकुट होता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सारस वायरस 2002 में किस देश में फैला था? जो सारस है तो ये क्या है, सारस भी आपका जो है ये आपका जो कोरोना वायरस है इसकी एक परिवार का ये हिस्सा है, ठीक है। जो कोरोना वायरस का जो परिवार है ये उसका एक है सारस। तो ये 2002 में किस देश में फैला था? ये फैला था आपके चीन में। नेक्स्ट आपके पास, कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले किस दशक में हुई थी? जो कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले हुई थी ये आपकी 1960 में हुई थी। यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, लेकिन जो ह्यूमन में कब से पाया गया ये वायरस पहचान हुई थी, ये हुई थी 1965 में। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ पहचान की तो ये आपका 1960 जाएगा, तो 1960 के दशक की बात की जा रही है। नेक्स्ट आपके पास, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की गई? तो ये आपको पता ही है किसने की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो WHO ने कितने मिलियन मदद की घोषणा की है या मदद दी है, तो वो दी है आपकी 675 मिलियन $। इसके अलावा अगर देखिए ADB ने कितनी मदद दी है, तो वो दी है आपकी 2 मिलियन $। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास, किस देश ने COVID-19 के टीके का मूल्यांकन करने वाला पहला मानव परीक्षण शुरू किया है? जो ये मानव परीक्षण शुरू किया है ये सबसे पहले किसने किया है, अभी हाल ही में किया है, ये किया है आपके अमेरिका ने। अगर आपसे डेट पूछी जाए किस दिन किया था, तो ये स्टार्ट किया है आपका 16 मार्च 2020 को। नेक्स्ट आपके पास, कोरोना वायरस की वजह से नौसेना ने किस नौसैनिक अभ्यास स्थगित किया है? तो जो भारत की नौसेना है उन्होंने एक जो अभी नौसेना अभ्यास होना था 40 देशों के मध्य होना था, जो उसे स्थगित कर दिया है, उसका नाम है आपका मिलन 2020। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई है या हुई थी? तो सबसे पहले कहाँ पाया गया था ये भारत में, ये पाया गया था आपके केरल में। ये भी आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करके चलना है। WHO द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु क्या उपाय दिए गए हैं? तो क्या उपाय दिए गए हैं ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अल्कोहल आधारित साबुन और पानी का उपयोग कर हाथ साफ करना, उसके अलावा कच्चे या अधपके पशु उत्पादों के सेवन से बचना, या खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना। तो ये किसने कहा है, ये आपका WHO ने कहा है। तो आज की वीडियो में जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी जो आगे आएंगे वो आपके लिए फिर से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो बाकी आपसे एक ही अपील है मेरी कि जो गवर्नमेंट जो भी आपने गाइडलाइंस इशू की है, तो उन सभी को आप फॉलो करें और घर में रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और घर वालों के साथ अपना टाइम बिताए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है ऐसा समय है कि आप घर वालों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।